आपने मैकडोनल्ड्स का बर्गर तो खाया ही होगा और ये कोल्ड ड्रिंक भी पी ही होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने ये शो पीस इसी बॉटल का यूज करके बनाया है। अगर आपको ये शो पीस पसंद आया है और आप खुद भी इसे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। इस DIY को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी क्ले की, तो मैं यहाँ वॉल पुट्टी क्ले बना रही हूँ। वॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करना स्टार्ट करा है। अब वॉल पुट्टी क्ले अगर आप बना रहे हैं तो ध्यान रखिए उसमें बहुत कम क्वांटिटी में पानी लगता है। आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने की ज़रूरत होती है। पानी कम डालिए और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। इस क्ले को बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना होता है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मिक्स हो नहीं रही है तो मैं और पानी डालूँ, नहीं, कम क्वांटिटी में आप पानी यूज़ कीजिए और उसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए तो आपको बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मिलेगी आपकी क्ले की। तो मेरी क्ले तो यहाँ पर रेडी है। अब मैं अपनी क्ले को बॉटल पेस्ट करने जा रही हूँ। आप चाहें तो पहले बॉटल पे फेविकोल लगा सकते हैं, उसके बाद आप क्ले को स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फेविकोल का यूज़ नहीं किया है लेकिन फिर भी मेरा क्ले बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो गई थी, बहुत अच्छी तरीके से उसने पकड़ बना ली थी, तो मुझे लगता है कि आप फेविकोल वाला पार्ट भी स्किप कर सकते हैं। क्ले लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया था और उसे इवन कर लिया था। अब मेरी क्ले ख़त्म हो चुकी थी पूरी लेकिन मेरा काम अभी भी बाकी था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आलस कर लिया है और मैंने डायरेक्ट मॉडेड क्ले ले ली है। वैसे ठीक भी है क्योंकि मुझे यहाँ पे दो छोटी छोटी सी बर्ड्स बनानी है, तो मॉडेड क्ले से इजी रहता है, वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से स्टिक हो जाती है। तो मैंने इस वजह से मॉडेड क्ले का ऑप्शन सही समझा कि क्ले बनाऊँगी फिर उसके बाद उसको बर्ड के शेप में डालूंगी, तो इससे अच्छा है कि भाई जो रेडी क्ले है वो यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बर्ड में इतनी सारी क्ले लगने वाली थी नहीं। तो मॉल्डेड क्ले लेके मैंने यहाँ पे दो छोटी छोटी सी बर्ड्स बना ली है। यहाँ पे ना मैं बर्ड्स मतलब एक मेल एक फीमेल ऐसी करके दो क्यूट क्यूट सी चिड़िया बना लूँगी। पंख पंख लगा के मैंने बर्ड बना लिए, लेकिन बर्ड को बिठाने के लिए भाई कुछ ब्रांचेस तो चाहिए ना, तो थोड़ी सी और मोल्डेड क्ले मेरी बच गई थी तो मैंने यहाँ पे फेविकोल लगा के थोड़ा सा मतलब ऐसे ही नॉर्मल छोटी सी ब्रांच टाइप बना दी जिसके ऊपर मैं अपनी बर्ड को बिठा सकती हूँ। ये ब्रांच बना दी है, ब्रांच के ऊपर मैंने अपनी छोटी सी बर्ड को स्टिक कर दिया है। बॉटल के दोनों साइड बर्ड लगाने के बाद तो उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। मेरी बॉटल पूरी ड्राई हो चुकी है, क्ले पूरी ड्राई हो चुकी है। अब टाइम आता है उसके ऊपर कलरिंग करने का, तो मैं यहाँ पे ब्राउन एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करूँगी, नो जैसो नथिंग कुछ नहीं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है और कलर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ना मैं पेड़ की जो ट्रंक होता है ना उसका कुछ लुक देना चाह रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ किया है। अब ना यहाँ मेरे पास छोटे छोटे से पेबल्स पड़े हुए थे तो मैंने यहाँ पे पेबल्स लगा दिया है आस पास उसको थोड़ा सा और कुछ अच्छा सा लुक देने के लिए। फेविबोन की हेल्प से मैंने यहाँ पे पेबल्स चिपकाए हैं और अब आप देख सकते हैं ना मेरा पूरा वास रेडी है और ये है उसका फाइनल लुक। आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है और कौन कहेगा कि ये MACD के कोक की बॉटल से बनाया है। ये DIY आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए।